जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। बिल्कुल एक बेहतरीन समक्ष, एक बेहतरीन शानदार सा सेशन हिंदी का मैं आपके समक्ष लेके आया हूं, जिसमें हम हिंदी में आए हुए पिछली बार SSC GD के हिंदी पेपर में आए हुए 50 क्वेश्चन हम आज इस सेशन में करेंगे। आप भी अपनी तैयारी को जांचना, साथ में कुछ वर्ड भी आप ऐसे सीखना। बिल्कुल, तो बेहतरीन क्वेश्चन है, 50 में से आप कितना कर पाते हो। एक घंटे में हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ से सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ताकि थोड़ा सा बिल्कुल पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, लेकिन आग जलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सभी को राम राम। हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं, बस तुम्हें उसे शक्ति को जानना होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू से गुरुदेव, देखो नेपाल की राजधानी काठमांडू से भी राहुल गुप्ता क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। सभी को नमस्कार, हिंदुस्तानियों को जय हिंद, पंजाबियों को क्या सत श्री अकाल, पंजाबियों को सत श्री अकाल भाई, भारतवासियों को, राजस्थान वासियों को राम राम, क्या सभी को राम राम। एक बार सेशन को जोरदार से शेयर कर दीजिएगा ताकि मजा आए, क्या सेशन में मजा आए। 100 की संख्या होती ही, 100 की संख्या होती ही हम सेशन को शुरू कर देंगे। गुरुजी सरपंच का पड़ोसी, गुरुजी के चरणों में प्रणाम। बिल्कुल प्रणाम जी, प्रणाम सभी का, प्रणाम स्वीकार किया जाता है तहे दिल से। बिल्कुल बॉडी बलकार, सत श्री अकाल जी, बलकार सिंह जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बिल्कुल मान लिया भाई सबका, असम से प्रणाम सबको, सबको सर सत श्री अकाल जी, बलकर सिंह जी सत श्री अकाल, राधे राधे जी, महारानी कुमारी राधे राधे, साक्षी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग साक्षी, बलकर सिंह राम राम सभी को, प्रणाम सभी को, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी का भाई, सभी का मैंने क्या एक्सेप्ट कर लिया है, प्रणाम गुड मॉर्निंग जो भी आप कहते हो, राम राम जय हिंद। अब क्वेश्चन हम कर लेते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ने वाले छात्र हैं, ये कहता है साथ साथ पढ़ने वाले छात्र की जगह आप कौन सा शब्द प्रतिस्थापित करोगे। पहला परोपकारी, स्वावलंबी, सहपाठी या सहकर्मी, बताओ भाई यहां से कौन सा आंसर हो जाएगा अपना। बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ पढ़ने वाला, आप कहोगे सर सहकर्मी तो कल सीखा था, साथ साथ काम करने वाला सहकर्मी होता है, क्या साथ साथ काम करने वाला सहकर्मी होता है। बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, सी ऑप्शन दे रहे हैं, सी ऑप्शन दे रहे हैं कुछ लोग, तो साथ साथ पढ़ने वाला सर सहपाठी, क्या साथ साथ पढ़ने वाला सहपाठी होता है, साथ साथ पढ़ने वाला। तो यहां से देखना भाई ऑप्शन बी आपका आंसर बन गया, क्या ऑप्शन बी वाले यहां से बिल्कुल सही चले गए, बिल्कुल ऑप्शन बी। तीसरा स्वावलंबी, क्या स्वावलंबी, अपने पैरों पर खड़ा होना, क्या अपने पैरों पर खड़ा होना, याद रखना स्वावलंबी, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। बिल्कुल यहां से सारे के सारे शब्द आपने सीख लिए। और दूसरों की भलाई करने वाला परोपकारी, क्या दूसरों की भलाई करने वाला, चार शब्द आपको यहां से सीखना है, दूसरों की भलाई करने वाला, क्या दूसरों की भलाई करने वाला परोपकारी होता है। तो देखना सबसे पहले देखो चार लाइनें हमने, परोपकारी दूसरों की भलाई करने वाला, क्या पता पिछली बार सहपाठी पूछा था, अब की बार क्या पूछ ले, सहकर्मी स्वावलंबी या परोपकारी में से पूछ ले। तो परोपकारी दूसरों की भलाई करने वाला, स्वावलंबी अपने पैरों पर खड़ा होने वाला, सहपाठी साथ साथ पढ़ने वाला और सहकर्मी साथ साथ काम करने वाला। क्वेश्चन के अनुसार साथ साथ पढ़ने वाला यानी आंसर सी बनेगा, सी वाले यहां से बिल्कुल सही है, क्या सी वाले यहां से बिल्कुल सही है। वक्त है साहब फिसलता जरूर है, क्या बदलता भी है और फिसलता भी है। यहां से क्वेश्चन नंबर 2 को पहले ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आंसर करने का प्रयास करो। तो देखो पढ़ते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपके विद्वतापूर्ण व्याख्यान में मेरी शंका का निराकरण हो गया, क्या मेरी शंका का निराकरण हो गया। निराकरण शब्द को हम किस शब्द से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, विवेचन, समाधान, सहार या स्पष्टीकरण, बताओ निराकरण का कोई पर्यायवाची है क्या। अरे यहां निराकरण का पर्यायवाची ढूंढ लो, निराकरण का पर्यायवाची ढूंढ लो, कौन सा है, समाधान, सहार, स्पष्टीकरण या विवेचन, जल्दी से कमेंट में आंसर लिख दो भाई, जल्दी से कमेंट में आंसर लिख दो, बहुत ही मजा आएगा भाई आज के सेशन में।
हाँ किसी भी शब्द को, यहाँ निराकरण का अर्थ क्या होता है भाई? अरे निराकरण हो गया, निराकरण, अरे मेरी उस समस्या का निराकरण हो गया, मेरी उस समस्या का समाधान हो गया। तो निराकरण का पर्यायवाची होता है समाधान। क्या होता है? समाधान, यानी ऑप्शन बी होगा यहां पर, ऑप्शन बी वाले, मेरी उस समस्या का समाधान या निराकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी वाले यहां से करेक्ट है भाई, ऑप्शन सी। और यहां क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन को ध्यान पढ़ो, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या? वाक्य का वो भाग याद करना है जहां कोई त्रुटि है। बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलती हुई जंगल में भटक गए। बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलती हुई जंगल में भटक गए, बताओ कहां पर त्रुटि है, बताओ कहां पर त्रुटि है। बिल्कुल समाधान, समाधान, सरपंच का पड़ोसी, बिल्कुल समाधान हो गया, है ना, समाधान हो गया। क्योंकि गोबर डालने के बहाने मिलने आया करती थी, मोहब्बत के दुश्मनों ने भैंस ही बेच डाली। क्या? मोहब्बत के दुश्मनों ने भैंस ही बेच डाली, तो हमने बकरी खरीद ली। क्या? भैंस तो नहीं खरीद पाए, लेकिन हमने बकरी खरीद ली, समाधान हो गया। क्या? समाधान हो गया। बिल्कुल यहां से कमेंट करो भाई जल्दी से, दिए गए कहां से, क्वेश्चन नंबर शिकार, अरे सरपंच का पड़ोसी पकड़ लिया। क्या? सरपंच के पड़ोसी ने पकड़ लिया भाई। क्या? शिकार। क्यों, क्यों ऐसा क्यों आज शिकार खेलती नहीं? शिकार एक पुल्लिंग शब्द है। क्या? शिकार एक पुल्लिंग शब्द है, शिकार पुल्लिंग, खेलता नहीं, खेलता। देखो शिकार खेलती हुई, क्या? शिकार खेलती हुई, ऑप्शन सी में यहां त्रुटि है भाई। क्या? ऑप्शन सी में त्रुटि है। देखता हूं किस किस ने सही आंसर दिया है। सी महादेव, पलक आ चुकी है भाई महादेव वाली, शिकार खेलती हुई, शिकार, अरे अपने आप से मुकाबला करते जाओ, वहां कोई भी रिस्क नहीं है, हारे तब भी आपकी जीत और जीते तब भी आप जीत। यहां से शिकार खेलती हुई नहीं, शिकार खेलते हुए। क्या? शिकार, सर इसकी जगह क्या आएगा फिर, खेलती की जगह, तो खेलते हुए क्या आएगा, शिकार खेलते हुए, खेलती हुई नहीं, खेलते हुए। शिकार पुल्लिंग शब्द है। इष्ट शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? शब्द अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं, इष्ट शब्द का विलोम शब्द जल्दी से कमेंट में लिख दो, इष्ट शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? अरे जल्दी लिखो, अपने आप से मुकाबला करो, जीत भी होगी तो तुम्हारी और हार भी होगी तो तुम्हारी, और होगी भी खुद से। क्या? होगी भी खुद से। तो बताओ भाई यहां पर क्या होगा? अरे इष्ट, बताओ इष्ट, इष्ट, चलो सर इष्ट ऐसा तो नहीं देखा, चलो ये इष्ट कर लो। क्या? एक पर ऊपर की मात्रा लगा लो, अब तो बता दो इष्ट, सर ऐसा सब तो देखा ही नहीं है, तो ऐसा बता दो। अरे हमेशा ध्यान रखना, इष्ट का अर्थ होता है शुभ। क्या होता है? शुभ। और यहां से इष्ट का विलोम शब्द होगा अशुभ, और अशुभ को अनिष्ट भी बोलते हैं, अशुभ या अनिष्ट होगा, ध्यान रखना अनिष्ट होगा। तो यहां से दोनों ही वर्डों को ध्यान रखना है, अनिष्ट यानी इसका विलोम शब्द क्या होगा? अनिष्ट होगा, इष्ट का अनिष्ट होगा, ध्यान रखना। और इष्ट का अर्थ होता है शुभ, और अनिष्ट का मतलब होता है अशुभ, के अनिष्ट हो गया, अशुभ हो गया। क्या? अनिष्ट हो गया, अशुभ हो गया। बिल्कुल यहां से क्या आंसर आएगा? इष्ट का होता है शुभ और अनिष्ट का होता है अशुभ, याद रखना है, वापिस भी रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे को सोना मिल जाना, हानि होना, एक लाभ होना, या भविष्य की बात को जान लेना, बताओ। अंधे के हाथ बटेर लगना, क्या? अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ यहां से क्या होगा भाई? अरे अंधे के हाथ बटेर लगना, जल्दी से बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। अनिष्ट वाले तो सही है, लेकिन इसका बताओ, अंधे के हाथ बटेर लगना, अरे सबका आंसर आना चाहिए, सबके एकाएक लाभ होना। क्या? एकाएक लाभ होना होगा। यहां से अंधे के हाथ बटेर लग गया, मतलब अचानक उसको एकाएक क्या हो गया? लाभ हो गया भाई। बिल्कुल यहां से ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी वाले, बाकी ऑप्शन ए बी और डी वालों की भैंस गई पानी में। क्या? ऑप्शन ए सी और डी वालों, डी वालों की गई भैंस पानी में। बिल्कुल शानदार आंसर दिया है भाई सब लोगों ने।
देखो महान महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। हिना मोकरनिया ने बहुत ही शानदार लाइन लिखी है भाइयों आपके लिए, बहुत ही बढ़िया भाई, आज का सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है ना, तो यहां से ध्यान रखना अचानक या एकाएक लाभ होना है ना, एकाएक की जगह कभी कभी अचानक लाभ हो जाता है, मतलब अंधे के हाथ बटेर लग गई, क्या अंधे के हाथ बटेर लग गई। अगला देखना भाई, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, मेरा ध्यान रिक्त स्थान भाई की ओर था, तुम, हमारे, हमें या अपने, बताओ भाई चारों शब्द में से कौन सा आंसर होगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन, मेरा ध्यान भाई की ओर था, किस भाई की ओर था बताओ भाई कमेंट करके। बताओ भाई, मेरा ध्यान तुम भाई की ओर था, नहीं यार ऐसा तो नहीं बैठ रहा, मेरा ध्यान हमारे भाई की ओर था, फिर कहता है हमारा ध्यान, फिर ये नहीं, यहां से देखो हमारा ध्यान हमें भाई की ओर था, मतलब तुम और हमें तो हो ही नहीं सकता, अब हमारे और अपने में से देखो, क्या हमारे और अपने में से, मेरा ध्यान हमारे भाई की ओर था, अरे हमारे भाई की ओर नहीं था मेरा ध्यान, हमेशा ध्यान रखना मेरा शब्द के साथ, क्या मेरा शब्द के साथ अपना वर्ड ही, मेरा शब्द के साथ अपना वर्ड ही अर्थपूर्ण होता है, अपना अपना आता है, मेरा के साथ क्या आता है अपना है, वो अरे वो मेरा है वो अपना है, क्या अपना शब्द ही अर्थपूर्ण बनता है, तो यहां से ऑप्शन कौन सा होगा भाई, आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहां से अपना वर्ड हो जाएगा, क्या आंसर डी हो जाएगा, देखता हूं डी आंसर किसने दिया है, क्या देखता हूं अपने अपने अपने, बिल्कुल यहां से अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा, अपने ही बनेगा भाइयों, क्या अपने ही बनेगा बिल्कुल, हाँ तो हमेशा जब मेरा आ जाए ना, मेरा लिखा तो उसके हमेशा ध्यान रखना मेरा है वो अपना है, क्या वो मेरा है तभी तो अपना है, अपना शब्द ही यहाँ अर्थपूर्ण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है, अरे एक शब्द बताओ जो बहुत सी भाषाओं को जानता हो, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर आंसर दो भाई, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर आंसर दो। सलजी बोलो, पलक जी, सलजी हाई कह रही है, क्या सलजी हाई कह रही है, बोलो पलक जी क्या कह रहे हो आप, बिल्कुल यहां से बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा भाई, अरे देखो यहां से देखो भाई, ठीक है आ रहा, प्रशासक क्या होता है, प्रशासनिक काम करने वाला, क्या अगर पूछे प्रशासनिक काम करने वाले को कहते हैं तो बता देना प्रशासक होता है, क्या प्रशासनिक काम करने वाला प्रशासक होता है। द्विभाषी, क्या द्विभाषी, दो भाषाएं जानने वाला, क्या दो भाषा जानने वाला होता है द्विभाषी, दो भाषा जानने वाला अगर आपसे पूछे तो द्विभाषी कहना। बहुभाषाविद, अनेक भाषाएं जानने वाला, अनेक भाषा या बहुत सी भाषाएं जानने वाला, बहुत सी भाषाएं जानने वाला, चारों के चारों वर्ड को ही याद रखना है भाई, क्योंकि पिछली बार हुआ था एग्जाम तो क्या पता अब की बार वो इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर दे वापस। अनुवादक, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने वाला अनुवादक कहता है ना, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने वाला अनुवादक होता है, भाषा में बदलने वाला अनुवादक कहलाता है ना, तो चारों के चारों वर्ड का ध्यान रखना है ना। तो देखो पहला, सबसे पहला अनुवादक, सर एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने वाला, बहुभाषाविद, सर अनेक भाषा या बहुत सी भाषाएं जानने वाला, द्विभाषी, दो भाषाएं जानने वाला, और प्रशासक, प्रशासनिक काम करने वाला। तो क्वेश्चन बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, यानी आंसर ऑप्शन बी लॉक करना पड़ेगा, क्या आंसर ऑप्शन बी लॉक करना पड़ेगा। बहुत शानदार भाइयों, बहुत ही शानदार सेशन को, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक जरूर करना भाई, लाइक जरूर करना भाई। हाँ थोड़ा ये सर द्विभाषी ऐसे कैसे लिखा है, तो मैं कह देता हूं लो द्विभाषी ऐसे लिखा जाता है, बस द्विभाषी ऐसे आए तो दो भाषाएं बोलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो वेदा या तोड़ा ना जा सके, क्या जिसे हम वेद नहीं सकते तोड़ नहीं सकते के लिए एक शब्द कौन सा है, अभेद्य, अभेद, पारदर्शी या नस्वर। जल्दी से कमेंट लिखो भाई, जल्दी से कमेंट लिखो इस क्वेश्चन का आंसर, मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों आपका। लोकेश क्यों तुतला कर बोल रही है, अच्छा तुझे क्या दिक्कत हो रही है रे, तू तुतला कर तो पलक बोल रही है, तो तू क्यों ऐसा कर रहा है भाई, जो वेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए क्या आंसर करोगे। देखो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, आठ नंबर का ए दिया है, ए किसने दिया है भाई आठ नंबर का,
देखो ये धर्मवीर, धर्मवीर ने दिया है क्या? धर्मवीर ने दिया है। देखो सबसे पहले ए बाध्य जो बेदा या तोड़ा ना जा सके, क्या? जो बेदा या तोड़ा ना जा सके, जो अभेद्य होता है जो बेदा या तोड़ा ना जा सके, बिल्कुल यहां से आंसर एक बनेगा। क्या आंसर? ऑप्शन एक वाले यहां से करेक्ट है भाई, ऑप्शन एक यहां से बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो पारदर्शी, आर पार दिखने वाला, क्या? आर पार दिखने वाला अगर कहे वो होता है पारदर्शी, जिसके हम आर पार देख सके वो पारदर्शी, जिसका कोई भेद ना हो, क्या? जिसका कोई भेद ना हो या जिसके पास कोई भेद ना हो। अरे वाह शानदार, है ना? तो एबेद, एबेद मतलब कोई भेद ना करने वाला, कोई भेद ना करने वाला, कोई भेद न करने वाला, बिल्कुल यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। यहां से कौन सा अभेद्य आंसर हो गया? ऑप्शन एक हो गया भाई, आंसर एक हो गया। अब नस्वर का बताओ, नस्वर क्या होता है? क्या पता पिछली बार नस्वर शब्द उसने काम में लिया था तो अब की बार और आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखना नस्वर से या नष्ट होने वाला, क्या? से या नष्ट होने वाला, कभी सोच ही नहीं सकते थे ना, इंपोर्टेंट लाइन लिख के लिखना से, नस्वर शब्द होता है से या नष्ट होने वाला, क्या? से या नष्ट होने वाला, पारदर्शी आर पार दिखने वाला, और दूसरा अभेद कोई भेद ना करने वाला अभेद, और अभेद्य जिसे भेदा ना जा सके वो होता है अभेद्य, क्या? जिसे भेदा ना जा सके। यहां आंसर एक करेक्ट होने वाला है। चारों के चारों वर्ड को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, वो भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि। ध्यान से पढ़ो, देखो वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है। बताओ भाई कहां दिक्कत है? वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, बताओ भाई यहां कहां त्रुटि दिखाई दे रही है आपको? जल्दी से कमेंट करके बताओ, बस जल्दी से बताओ रे, जल्दी से बताओ आंसर। सबको दिख रहा है सर, क्या? जिसका नाश न हो, नष्ट न हो, क्या? जिसका नाश, अरे नाश न हो नहीं लिखना है, ध्यान रखना से या नष्ट होने वाला, क्या? से या नष्ट होने वाला होता है। तो की युग नहीं भाई, ध्यान रखना सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, की युग नहीं है। युग शब्द क्या है? का है, का आएगा यहां से, की नहीं आएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन सी वाले यहां से करेक्ट है, ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं, बहुत ही शानदार आंसर। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष हमारे साथ जारी है। मैं गारंटी लेता हूं 25 में से 25 दिलवाने की, आप तो बस जुड़े रहो, क्या? जुड़े रहो रोजाना। पेपर तक 100 मॉडल पेपर करने का टारगेट बनाया है, कितने मॉडल पेपर? 100 मॉडल पेपर, 25 × 100, तो यहां से ध्यान रखना 2500 क्वेश्चन, कितने? 2500 क्वेश्चन, 2500 में अगर 25 क्वेश्चन ही ना मिले तो हम किस बात की पढ़ाई करें भाई? 2500 में से अगर हमारे 25 क्वेश्चन ही ना बन पाए तो कौन सी पढ़ाई करें भाई, ऐसी कौन सी पढ़ाई? यहां से देखना वाक्य का वह भाग याद करो जिसमें कोई त्रुटि है, हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधा हुआ है, हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधा हुआ है। जल्दी से कमेंट, जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता, बहुत ही शानदार लाइन लिखी है भाई। बताओ भाई यहां त्रुटि क्या होगी, वाक्य की सही संरचना बताओ। बताओ भाई कौन सा होगा, हमेशा ध्यान रखना। यहां हो सकता है, यहां देखो अनेक आदतों से बंधा हुआ है, बंधा हुआ नहीं है, ध्यान रखना अनेक आदतों से बंधे हुए हैं, क्या? अनेक आदतों से बंधे हुए वर्ड आएगा यहां पर, ध्यान रखना आदतों से बंधा हुआ, बंधे हुए, क्या? बंधे हुए वर्ड आएगा, यानी बंधा हुआ में त्रुटि है, क्या है? बंधा हुआ की जगह बंधे हुए आएगा, उसका क्या कारण है? अधिकतर सही है भाई, अधिकतर वाला सही है, अधिकतर वालों की गई भैंस पानी में, क्या? अधिकतर वालों की भैंस गई पानी में, निकाल के लेके आओ रे अपनी भैंस को। बताओ भाई त्रुटि रहित शब्द कोई त्रुटि है, किस शब्द में है? बंधा हुआ शब्द में है, क्या? बंधा हुआ नहीं, अधिकतर आदतों से, आदते वर्ड आ गया तो यहां बंधे आएगा, क्या? बंधे हुए हैं, है ना?
तो यहां से देखो, अधिकतर आदमी, अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधे हुए हैं, अनेक आदतों से बंधे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, पराधीन शब्द का विलोम शब्द बताओ रे। ये तो सब बता देंगे, क्या ये तो सब बता देंगे। नन्ना बालकों वाला प्रश्न है सर, क्या छोटे से बालकों वाला प्रश्न है। जल्दी से 100 में से 100 लाएंगे सर, बिल्कुल 100 में से 100 लाने का टारगेट रखो भाई। अब जो लोग और तैयारी करना चाहते हैं 100 में से 120 की, तो वो लोग आ जाइए लास्ट फाइर पर। क्या लास्ट फाइर पर भी मैथ्स के और रीजनिंग के, जीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे पराधीन, पराधीन पर मतलब दूसरों के अधीन, क्या पराधीन होता है दूसरों के अधीन। तो अगर आपको पूछे कि दूसरों के अधीन को एक वर्ड में लिखिए तो पराधीन लिखना, और खुद के अधीन क्या पराधीन और स्वाधीन क्या होगा, स्वाधीन होगा। ध्यान रखना यहां पर आंसर ऑप्शन बी लॉक करना पड़ेगा, यहां से ऑप्शन बी लॉक करना पड़ेगा भाइयों, ध्यान रखना, गलती मत कर देना, क्या यहां से गलती मत कर देना है ना। ऑप्शन बी आंसर होगा भाई यहां से, बिल्कुल ऑप्शन बी। कौन कौन आंसर दे रहे हो रे, जय हिंद, जय हिंद किसने किया है, अंकित चौधरी आर्मी वाले रनर अंकित कुमार चौधरी, राम राम जी आपको, राम राम तह दिल से है ना। देखो एक बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि बीता हुआ कल आपकी गवाही दे या ना दे, लेकिन आने वाला कल आपको सलामी जरूर देगा, क्योंकि जब तन पर वर्दी होगी तो राम सर भी आपको क्या करेंगे, सैल्यूट मारेंगे, क्या सैल्यूट मारेंगे, ये मैं कहता हूं है ना। तो यहां से दूसरों के अधीन और खुद के अधीन, क्या खुद के अधीन। सर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सर्प का पर्यायवाची शब्द इतनी देर से आया है, सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। लास्ट फाइव पे लाइव क्लास होती है क्या, हाँ जी सरपंच साहब लाइव क्लास होती है। कंचन कुमारी क्यों रो रहे हो लोकेश जी को, लोकेश जी को क्यों रो रहे हो सर, लास्ट फाइव कमेंट्स स्टॉप करके पढ़ लो यार। हाँ सही कह रहे हैं कि कमेंट स्टॉप कर लो और फिर पढ़ लो यार, क्या पता सिलेक्शन हो ही जाए, क्या क्या पता सिलेक्शन हो ही जाए। बताओ भाई सर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है यहां से, तो सर्प या सांप वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड बता देता हूं यहां से। कौन कौन देखता हूं इसका कौन आंसर देता है, थोड़ा सा रुक के देखता हूं इसका आंसर कौन देता है भाई, इसका आंसर कौन देता है, व्याल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसने दिया, पड़ोसी ने, सरपंच के पड़ोसी ने दिया व्याल, क्या सर्प या सांप का, क्या सर्प या सांप का पर्यायवाची शब्द यहां से क्या होगा, व्याल होगा। अब महत्वपूर्ण आपके लिए यह है कि जितने भी सर्प के पर्यायवाची बनते हैं वो सब आपको याद करने हैं। शर्त यह है, नंबर में 25 में से 25 दिला दूंगा, लेकिन काम यह करना है कि 25 में ये सर्प के पूरे पर्यायवाची आपको याद करने हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अरे इस स्थान में कौन सा शब्द आएगा इसका चयन करना है, तो ध्यान से पढ़ो, वह समझदार है, तीव्र समझदार है, बहुत समझदार है, अधिक समझदार है या मंद समझदार है। अब बताओ भाई, मंद बुद्धि वाले हो, तीव्र बुद्धि वाले हो, अधिक बुद्धि वाले हो, जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, कमेंट करो रे जल्दी से। अरे शानदार क्लास हो रही है, गारंटी भी कितने क्वेश्चन की ली जा रही है, 25 में से 25 की ली जा रही है ना। लेकिन मैं कहता हूं वो काम करना और फिर मुझे बताना कि मेरे 25 में से 25 कैसे नहीं आए, मैं दिलवाऊंगा आपको 25 में से 25। बताओ अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, हमेशा ध्यान रखना तीरु समझदार, समझदार वर्ड के साथ या तो आप कौन कौन सा वर्ड लगा सकते हो, देखो तीव्र समझदार ऐसा नहीं, मंद कोई, मंद समझदार थोड़ी होता है, और बहुत और अधिक, इनमें से बताओ कौन सा शब्द ठीक बैठेगा, बहुत अधिक बैठेगा या कौन सा बैठेगा भाई, जल्दी से देखो आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, बहुत बहुत बहुत, सत श्री अकाल सर जी, बलकर सिंह जी सत श्री अकाल जी, लेकिन कमेंट में आंसर लिखो, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस स्थान पर हम बहुत समझदार है, अरे राम बहुत समझदार है, अधिक समझदार नहीं, अधिक समझदार को तो हम और कुछ बोल देते हैं, क्या जब कहता है वो ज्यादा समझदार बन रहा है, अधिक समझदार ऐसा नहीं, यहां से बहुत या काफी, क्या वह काफी समझदार है। अब की बार हो सकता है बहुत की जगह काफी वर्ड भी दे, काफी समझदार है,
तो यहां से क्या होगा, काफी समझदार या बहुत समझदार होगा। काफी की जगह बहुत वर्ड भी आ सकता है, तो दोनों में से पकड़ लेना भाई साहब कौन सा आंसर हो वही कर देना, क्या वही आंसर कर देना। तो यहां से रिक्त स्थान को भरने के लिए बहुत शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चोली दामन का साथ, क्या चोली दामन का साथ, बताओ मुहावरे का सही अर्थ, क्या चोली दामन का साथ, बताओ मुहावरे का सही अर्थ, बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से कमेंट करके बताओ, चोली दामन का साथ बताओ भाई, यहां से कमेंट करके बताओ जल्दी से। अरे चोली दामन का साथ, हर कौम का एक इतिहास होता है, उसी कौम में एक आदमी खास हो, तुम क्या फौजी करते हो, फौजी फौजी नहीं साहब, फौजी साहब है से, क्या फौजी साहब है, बताओ चोली का समन, चोली दामन का साथ, तो यहां से मेल ना होना ऐसा तो नहीं, दूसरा कटु शत्रुता ऐसा तो नहीं, दुश्मनी चोली दामन का साथ दुश्मनी नहीं, घनिष्ठ संबंध होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वापिस रिपीट होने के 100% चांस है, ध्यान रखना रिपीट होगा क्वेश्चन, मैं कहता हूं क्वेश्चन रिपीट होगा, ध्यान रखना क्वेश्चन रिपीट होगा आपकी बार, घनिष्ठ संबंध होना चोली दामन का साथ, घनिष्ठ संबंध होना, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, क्या इसको ध्यान से पढ़ो, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, कौन से सही वर्तनी वाले, तो परिवार शब्द को कैसे लिखा जाएगा, अरे बच्चे वाला क्वेश्चन दे दिया, क्या परिवार शब्द को कैसे लिखा जाता है, अरे बताओ अपने परिवार शब्द को कैसे लिखोगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, परिवार शब्द को कैसे लिखोगे, घनिष्ठ संबंध, बिल्कुल चोली दामन का साथ घनिष्ठ संबंध होता है सर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो भाई आप, अब इसका बताओ आप, तो परिवार शब्द कैसे लिखा जाता है सर, बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, बच्चों वाला क्वेश्चन है, परिवार तो ऐसे लिखा जाएगा, देखना परिवार, पैर रे पर छोटी की मात्री वार, परिवार, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तभी तो मैं कहता हूं 25 में से 25, क्या हिंदी वाली 9 बजे वाली क्लास में से 25 में से 25 क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन। आज तो मैं पुराने पेपर लेके आया हूं, कल एक नया मॉडल पेपर और तैयार करूंगा आपके लिए, अच्छे वाला अच्छा क्वेश्चन है ना, आप तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, बस आपका काम इतना। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र रिक्त स्थान कारण है, बताओ भाई कौन सा, अनजान अहंकार अज्ञान या अकड़, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो क्या कारण रहा है इसका, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण है बताओ, अनजान अहंकार अज्ञान या कौन सा, अकड़, जल्दी से कमेंट करके बताओ, अरे जल्दी से बताओ, बिल्कुल बिल्कुल सर, परिवार परिवार, अरे परिवार नहीं, इसका आंसर दो, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञान, क्या बिल्कुल, तो हमेशा ध्यान रखना सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञान या अज्ञानता है, क्या अज्ञान, अज्ञान या अज्ञानता के कारण, अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे उनके पास ज्ञान नहीं होगा तो सामाजिक कुरीतियों का क्या करेगी, बढ़ेगी, तो अज्ञान या अज्ञानता है, अज्ञान या अज्ञानता वर्ड यहां से आपका करेक्ट होता है ऑप्शन सी, क्या आंसर सी, इस क्वेश्चन के अनुसार अज्ञान या अज्ञानता वर्ड को आपको काम में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य में, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहला काम है ध्यान से पढ़ो और पूछ क्या रहा है वो देखो, तो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, अब सह जैसी प्राणांतक बीमारी का इलाज, क्या अब सह क्या भाई, टीबी जैसी, क्या ट्यूबर, क्या टीबी जैसी, सह जैसी प्राणांतक बीमारी का भी इलाज संभव है, तो बताओ इलाज की जगह क्या लिख सकते हैं, इलाज की जगह कौन सा वर्ड हम काम में ले सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ, इलाज की जगह हम कौन सा शब्द काम में लेंगे, बताओ भाई प्रतिस्थापित क्या क्या कर सकते हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करो, आधान समाधान उपचार या बताओ भाई इलाज कौन सा होगा, यहां से कमेंट करके बताओ, ये तो सर आसान वाला क्वेश्चन है, क्या ये तो आसान वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई ये आसान वाला क्वेश्चन ही है, जिन्होंने भाई सेशन को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, अभी हमारे पास 33 क्वेश्चन और है भाई, अभी सेशन को लाइक कर देना, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया पूरे 50 क्वेश्चन करके ही जाएंगे, पूरे 50 क्वेश्चन करके ही जाएंगे, आप चिंता ना करें, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सही से दीजिए आप, तो
ध्यान रखना इलाज, मैंने क्या कहा, जब प्रतिस्थापन आ जाए तो इसका पर्यायवाची देख लो, क्या इसका पर्यायवाची देख लो, इलाज करवाना, मैं अस्पताल उपचार करवाने गया या मैं अस्पताल इलाज करवाने गया, एक ही बात होती है ना, तो ऑप्शन सी वाले यहां से सही है, क्या मैं अस्पताल तो गया लेकिन इलाज या उपचार करवाना था मुझे, क्या इलाज या उपचार करवाना था, तो यहां से ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही है भाई, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और आंसर लिखो कमेंट में, आंसर लिखो जल्दी से कमेंट में, ध्यान से पढ़ो भाई। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, इसमें लिखा है हमारे समाज रिक्त स्थान अनेक कुरूतियां हैं, क्या बताओ रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा, हमारे समाज बीच अंदर भीतर या में, कौन सा वर्ड यहां ठीक बैठेगा रिक्त स्थान को भरने के लिए, एक बार कमेंट करके लिख दो भाई शानदार से। बिल्कुल सर, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष हमारे साथ जारी है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, मैदान से हारा हुआ इंसान जरूर जीत सकता है, मन से कभी नहीं हारना है, मन से कभी हार नहीं माननी है, अपनी हार अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, क्या अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, अपने माँ बापू को अपना मोटिवेशन बनाओ, क्या अपने माँ बापू के उस पसीने को जो इस वक्त क्या कर रहे हैं खेतों में कटाई कर रहे हैं उसको अपना क्या बनाओ, उसका अपना मोटिवेशन बनाओ, वही आपका मोटिवेशन हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा से बड़े आपका मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता, इतना मैं कह सकता हूं, आपके मम्मी पापा से बड़ा आपका कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता, आप बताओ इसका। बताओ भाई यहां से, तो यहां से कौन सा शब्द, हमेशा ध्यान रखना हमारे समाज में अनेक कुरूतियां हैं, क्या हमारे समाज के अंदर नहीं, समाज के अंदर नहीं, ध्यान रखना भीतर नहीं बीच नहीं, हमारे समाज में अनेक कुरूतियां हैं, आंसर डी होगा, ऑप्शन डी यहां से लोक होगा, मैं वर्ड आएगा यहां, ध्यान रखना कौन सा वर्ड, मैं वर्ड आएगा यहां से, अरे सेशन में बिल्कुल समाज में अनेक कुरूतियां हैं, विनय यादव बिल्कुल सही लिख रहा है, अरे मैं कहता हूं जिसने एक बार कमेंट में शब्द लिख दिया ना अपने हाथ से तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, लिखा करो, मैं तो कहता हूं शब्द लिखा करो, सही वर्तनी शब्द का चयन करो, सम्मुख शब्द कैसे लिखा जाता है बताओ भाई, सम्मुख शब्द कैसे लिखा जाएगा, मैं कहता हूं अगर एक बार आपने टाइप करके उस वर्ड को सही लिख दिया ना जीवन में कभी गलती नहीं करोगे, मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि इस वक्त आपका ध्यान केंद्रित है कि आप जल्दी से आंसर लिखो, क्या जल्दी से आंसर लिखो, बताओ भाई यहां से क्या होगा, सम्मुख बताओ भाई यहां से, बिल्कुल सर बता दिया, बच्चे वाला क्वेश्चन है, सम्मुख नहीं होता सर, सम्मुख होता है, क्या होता है सम्मुख, सम्मुख का मतलब वो अर्थ होता है सामने, सम्मुख का क्या होता है सामने होता है ना, सम्मुख, और सम्मुख का विपरीत क्या होता है विमुख, क्या विमुख, विमुख का मतलब होता है सामने या बताओ पीछे, क्या विमुख, एक सम्मुख एक विमुख दोनों याद रखना विलोम होते हैं, सम्मुख और विमुख क्या होते हैं विलोम शब्द होते हैं, ध्यान रखना सम्मुख का विलोम होता है विमुख होता है, बिल्कुल एक बार लिख दिया करो चाहे मैं देखूं या ना देखूं, आप एक बार कमेंट लिख दिया करो, क्योंकि कमेंट लिखने से आप वो शब्द लिख देते हैं एक बार तो आपके ध्यान में आ जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं उसको, ध्यान रखना एक बार शब्द को लिखा करो, आप शब्द को अवश्य लिखा करो। अगला क्वेश्चन आया है भाई गद्यांश, आ गया आपके सामने गद्यांश, पांच नंबर दिलाने वाला, ध्यान से पढ़ो गद्यांश को, विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की करने लगते हैं, बताओ रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा, उलाना उपेक्षा उत्प्रेक्षा या अपेक्षा, बताओ भाई क्या करने लग गए इंसान, बस जल्दी से कमेंट लिखो, विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की क्या करते हैं बताओ भाई जल्दी से हैं, जल्दी से बताओ भाई यहां से, विज्ञान वाले लोग धर्म की क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना साइंस वाले लोग धर्म को कभी नहीं मानते, ध्यान रखना विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की क्या करते हैं उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा या अवहेलना करते हैं, उपेक्षा या उलाना नहीं अवहेलना करते हैं, क्या अवहेलना करते हैं, ध्यान रखना ऑप्शन सी यहां से आंसर होगा, ऑप्शन सी उपेक्षा करते हैं ना, तो ये साइंस वाले लोग धर्म को मानते हैं क्या, भगवान को नहीं मानते, इनकी अवहेलना करते हैं, ये अवहेलना करते हैं, ये कहते हैं हमारा तो साइंस का नियम लग रहा है इसमें, तो क्या हमारा तो साइंस का नियम बन रहा है, हम तो यहां से उलाना करते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल मजा आ गया सर, ओके।
बिल्कुल बिल्कुल, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी पर आगे देखो, यहां तो उपेक्षा वर्ड आ गया, उपेक्षा, उपेक्षा करने लगते हैं, फिर पढ़ो धर्म पर, क्या धर्म पर रिक्त स्थान का लाछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यान्वेषी, यानी खुद कहते हैं कि हम सत्य हैं, क्या हमारी वाणी सत्य है, होने का गुणगान करते हैं कि हमने कहा है कि सूर्य यूं चक्कर लगाता है, हम कोई भगवान का मान लेते, तो धर्म वालों की नहीं मानता, तो बताओ अंधविश्वास, मर्यादा, कर्मठता या विश्वास क्या होता है? यहां से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? यहां से ध्यान से पढ़ा करो, खुद से किया करो, गद्यांश 5 नंबर दिलाएगा ये प्रैक्टिस आपको। बताओ भाई यहां से क्या आंसर करोगे? यहां से बिल्कुल बिल्कुल, विज्ञान वाले क्या करते हैं कि विज्ञान वाले कहते हैं कि धर्म पर अंधविश्वास का लाछन लगाते हैं, किसका? धर्म पर अंधविश्वास की, धर्म तो क्या चल रहा है, अंधविश्वासों पर चल रहा है, अंधविश्वास का लाछन लगाते हैं। ध्यान रखना यहां से ऑप्शन एक लोग होगा, क्या क्या करते हैं? धर्म पर अंधविश्वास लाछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यान्वेषी होने का गुणगान करते हैं। अगला देखना भाई, तो यहां तो उपेक्षा, यहां उपेक्षा वर्ड लिखा, ध्यान से पढ़ना इसको, वापिस भी रिपीट हो सकता है, धर्म पर, फिर धर्म पर क्या, धर्म पर क्या करता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, धर्म कर अंधविश्वास कर कर, क्या अंधविश्वास, धर्म पर अंधविश्वास, फिर कहता है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग होकर भी अलग नहीं है, दोनों का उद्देश्य विज्ञान, इतिहास, सामाजिक विज्ञान या मनुष्य है, बताओ भाई दोनों का उद्देश्य क्या है, दोनों का उद्देश्य किसका हित है, सामाजिक विज्ञान का, मनुष्य का, विज्ञान का या इतिहास का, जल्दी से, ये तो सबका आ जाना चाहिए, क्या बिल्कुल अंधविश्वास, माइलो तो गलत है, कोई बात नहीं भाई, आइलो तो गलत है, तो विज्ञान वाले के अनुसार बताओ भाई आगे, ध्यान रखना धर्म भी यही चाहता है कि मनुष्य का हित हो, मनुष्य का क्या हो, हित हो, और विज्ञान भी यही चाहता है कि मनुष्य का हित हो, ध्यान रखना दोनों के दोनों वर्ड क्या करना चाहते हैं, मनुष्य का हित करना चाहते हैं, यानी दोनों का उद्देश्य क्या है, मनुष्य का हित करना है, क्या मनुष्य की भलाई करना है, मनुष्य का हित करना है, ध्यान रखना कैसे भी करो, वो भी चाहता है, धर्म भी चाहता है कि मनुष्य की भलाई या हित हो, और ये भी चाहता है कि दोनों की भलाई या हित हो, बिल्कुल शानदार भाई, मानव, मनुष्य की जगह और कौन सा आ सकता है, मानव या मनुष्य का हित आ सकता है ना सर, मानव वर्ड भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो मानव, देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, अरे कमेंट लिखा करो, मानव मनुष्य ऐसे कमेंट किया करो, लिखे ऐसे थोड़ी होता है, आप कमेंट ही नहीं करते, कमेंट किया करो कि मेरा आंसर ये आ रहा है, मनुष्य आ रहा है या मानव आ रहा है या दूसरा वाला आ रहा है, विज्ञान आ रहा है। अगला यहां से देखो, अब यहां से हो गया, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब यहां पर आपको बढ़ना है, यहां मनुष्य या मानव का हित कह दिया, मानव, यहां उपेक्षा वर्ड भर दिया, अब ध्यान से पढ़ना पूरे को, और यहां अंधविश्वास वर्ड भर दिया, अंधविश्वास, प्रैक्टिस करना यही होती है गद्यांश में, धर्म का, धर्म का रिक्त स्थान मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का रिक्त स्थान करके उसे सुंदर सामाजिक जीवन जीने में योग्य बनाता है, तो बताओ भाई यहां से कौन सा वर्ड आप लोगे, बताओ यहां से, धर्म का साधन, लक्ष्य, लक्ष्य या साक्ष्य, जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां से कौन सा वर्ड आप यहां से लेने वाले हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, कुछ लोग मानव मनुष्य, वो तो पिछले क्वेश्चन का हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, बताओ भाई, उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या, धर्म का लक्ष्य, धर्म का लक्ष्य, फिर देखना धर्म का लक्ष्य मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान और करुणा का लक्ष्य या उद्देश्य क्या, धर्म का उद्देश्य क्या होता है, धर्म का उद्देश्य या लक्ष्य एक ही बात है, उद्देश्य वर्ड भी आ सकता है और लक्ष्य वर्ड भी आ सकता है, ध्यान रखना साक्ष्य नहीं, ध्यान रखना साक्ष्य नहीं, लक्ष्य नहीं, साधन नहीं, धर्म का उद्देश्य मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का, बताओ यहां से 24 नंबर क्वेश्चन बनेगा। अगला देखना यहां से, तो यहां से क्या आया भाई, उद्देश्य आया, उद्देश्य वर्ड आया, उद्देश्य। अगला देखना, करुणा और प्रेम का
प्रगति करके, हास करके, विनाश करके या विकास करके उसे सुंदर सामाजिक जीवन योग्य बनाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई क्या बनाता है। लक्ष्य, लक्ष्य बिल्कुल, लक्ष्य या उद्देश्य वर्ड आ सकता है क्या? धर्म का भी यही उद्देश्य होता है, धर्म का भी यही उद्देश्य होता है, ध्यान रखना। बताओ भाई यहां से क्या करोगे? बिल्कुल सर, विकास करके। क्या एक बंदे ने कहा है सर इसका विकास करके ही ये संभव हो सकता है। अब एक बार ध्यान से पढ़ लो, आपका कंप्लीट है, एक बार पूरे को पढ़ना है। उपेक्षा, अंधविश्वास, बिना देखे कर सकते हो, बिना देखे कर सकते हो ऐसे को। अंधविश्वास, सच्चाई ये है कि विज्ञान अलग अलग होकर दोनों का उद्देश्य क्या है? मानव का हित है। क्या? मानव या मनुष्य का हित है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य के भीतर परोपकार। देखो अब शुरू से पढ़ो, विज्ञान के क्षेत्र में जाकर, ध्यान से पढ़ना, विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की उपेक्षा करने लगते हैं। धर्म पर अंधविश्वास का लाछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यान्वेषी होने का गुणगान करते हैं। सच्चाई यह है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग होकर भी अलग नहीं है, दोनों का उद्देश्य मानव का हित है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का विकास करके उसे सुंदर सामाजिक जीवन जीने में योग्य बनाता है। ये आपके 5 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाते हैं, यहां से 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अगला देखना भाई, पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अरे लास्ट में पत्थर शब्द का पर्यायवाची शब्द आया आपका सेशन को भाई। जिन्होंने लाइक नहीं किया सेशन को, लाइक शेयर करते रहो। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो क्या आप मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? क्या मैं आपके लिए अगर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तो क्या आप मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? क्या बताओ, थोड़ी सी तो सोचा करो रे, थोड़ी सी सोचा करो मेरी भी। ये क्लास कैसे हो पाएगी अगर इतनी कम संख्या में रहोगे तो? कैसे कर पाएंगे हम 100 मॉडल पेपर? देखो, अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। क्या अजीब है भाई रिवाज भी यहां का। बताओ भाई यहां से, नाइस क्लास, लाजवाब है क्लास तो कोई शक नहीं है। तो यहां से ध्यान रखना, पत्थर शब्द का ना सेल, ना अचल, ना बुदर, प्रस्तर या पाषाण होता है। क्या? प्रस्तर या पाषाण। इसके अब आपको मैं कहता हूं, प्रस्तर या पाषाण के जितने भी पर्यायवाची शब्द है वो आपको याद करने हैं। क्या? पत्थर के जितने भी पर्यायवाची, सभी के सभी पर्यायवाची शब्द आपको याद करने हैं, है ना। तो आज मैंने 2 के आपको पर्यायवाची शब्द याद करने को बोला है ना। तो बताओ अब टाइम क्या हो चुका है, एक बार देखते हैं, टाइम भी ठीक हो चुका है। चलो आज 25 क्वेश्चन ही रखे या आगे करें? अरे बताओ, सेशन को अगर अच्छी जगह पहुंचाओ तो 25 क्वेश्चन और कर ले, वरना अब यहीं पर अंत कर दे। बताओ, बताओ क्या किया जाए, सेशन को एंड कर दिया जाए या 25 क्वेश्चन और किया जाए, आपकी इच्छा के अनुसार बता दो। प्रस्तर, 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 बिल्कुल जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा ही होगा। अगर आप चाहते हो कि 25 क्वेश्चन और करवाऊं तो करवा दूंगा 25 क्वेश्चन, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन और करवा दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि सेशन को यहीं विराम दिया जाए, सर प्रीवियस क्वेश्चन रेस्पेक्टेड होता है, बिल्कुल रेस्पेक्टेड होता है, सम्मान देना चाहिए उसको। चलो कोई बात नहीं, अब कल करेंगे, आज का इतना ही रखते हैं। और क्या, आप तो हाँ ही नहीं कह रहे सर, बिल्कुल साली वालों की, सेल वालों की गई भैंस पानी में, बिल्कुल सेल वालों की भैंस पानी में जा चुकी है यहां से, सेल वालों की गई भैंस पानी में। अरे किया जाए क्या, आगे करे, आगे करे सर, बस बस बस। सल जी लोकेश को प्यार हो गया, अच्छा 25 और किया जाए, 25 और किया जाए। अपना स्कोर शेयर करना भाई, अपना स्कोर शेयर करना एक बार सभी लोग। चलो आज इतना ही रखते हैं, अब पूरे 10 बज चुके हैं, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, कल वाले में 50 क्वेश्चन करेंगे। देखो आज तो अब समय हो चुका है, और थोड़ा भी समय भी, आज क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे तो उसकी वजह से समय ज्यादा लगा दिया। अब बताना 25 में से कितना स्कोर किया है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है। तुम्हें कसम है, तुम्हें कसम है उस SSC GD वाले पेपर की, अगर लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख के नहीं गए कि आज कितना सही हुए और आज का सेशन हमारे लिए कैसा रहा, जरूर बता के जाना है। क्या? जरूर बताना चाहता है। पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। आज अगर आप 250 लोग, अगर आप आज 270 लोग, अगर आज आप अभी लाइव क्लास छोड़ रहे हो तो कल आपकी जिम्मेदारी बनती है इस क्लास को 400 पहुंचाने की। कितनी आपकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे तो स्टेटस पर लगाओ, चाहे अपने दोस्त को बताओ। 250 लोग हो वापिस, कितने 130, यानी दो बंदे मिलकर एक बंदे को लेके आना है। दो बंदा, हर बंदा एक एक बंदे को बोलेगा, वो अगर दो में से एक आ गया तो भी हमारा काम बन गया, यानी कल इस क्लास को 400 तक पहुंचाना है, 400 तक। मैं आपके कमेंट्स देखूं या ना देखूं, आपको जरूर देखना है।
बिल्कुल 25, 30, 30, 25 एक बार कमेंट्स पढ़ लेता हूं। सर 25 में से 21 क्योंकि बाद में आया था, कोई बात नहीं भाई। क्या नाम है इसका? अजय कुमार। अजय कुमार कह रहा सर बाद में आया था, लोकेश मस्त सेशन था सर आज, बिल्कुल खेसारी लाल यादव बिल्कुल मस्त ही रहेगा सेशन, है ना। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक करके जाना है भाई, सभी को लाइक करके ही जाना है, ध्यान रखना। मजा आया ना आज सेशन में? बिल्कुल आएगा मजा। और इस संडे को अनेक शब्दों पर एक शब्द, अनेक शब्दों पर एक शब्द, 400 क्वेश्चन, महामैराथन। क्या महामैराथन होगी, ध्यान रखना। एक भी वर्ड अनेक शब्दों वाला बाहर नहीं जाएगा कभी भी। बहुत अच्छा लगता है आपका पढ़ना। ओके सपना, थैंक यू सभी को। नागौरी बादशाह कह रहा है 25 में से 16 सही हुए सर, बिल्कुल बिल्कुल, रोजाना लोटा करो विराट सर के। अच्छा ऐसा नहीं है रे, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, कोई किसी के चक्कर में नहीं छोड़ता भाई, बिल्कुल बिल्कुल। 20 में से 25 सर थोड़ा लेट हो गई, कोई बात नहीं। ऋचा कुमारी थैंक यू, अगर इतना बना। पर्ची कुमार बाय बाय, बाय बाय सभी को, बाय बाय सभी को, राम राम भाई सभी को, बाय बाय सभी, लास्ट में राम राम प्रणाम गुरुजी। मुखिया की साली हूं, अच्छा मुखिया की साली हो गया, राम राम जी, राम राम जी, कैसे कैसे नाम लिख रखे रे, मयूर झूठा, अच्छा मयूर झूठा, पलक पलक पलक, लास्ट में राम राम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। 25 में से 25 आर्मी लवर बॉय, 25 में ममता कुमारी, राम राम जी सभी को, राम राम भाई, राम राम जी, राम राम जी, बिल्कुल। सेशन को शेयर करना तुम्हें कसम, आज सब स्टेटस पे लगाना इसको, है ना, क्लास को, है ना, लिंक शेयर करके स्टेटस पे लगाना सभी लोग, ताकि कल 400 संख्या आ जाए हम लोगों के पास, कल 400 संख्या आ जाए, उसके बाद मजा आए और भी सेशन करने में, क्योंकि सेशन लंबा जाएगा, है ना। तो रोजाना अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप चिंता ना करो, आप तो बस, आपका काम है संख्या को बढ़ाना, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाने वाला काम मैं कर रहा हूं, लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे। बिल्कुल ऋचा कुमारी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाता तो हूं अच्छा, लेकिन आप शेयर किया करो, है ना, शेयर किया करो तभी मजा आएगा अच्छा पढ़ाने में। तो एक बार फिर से जय हिंद, जय हिंद। मैराथन संडे को होगी, है ना, मैराथन, महा मैराथन संडे को होगी, आप चिंता मत करो। हिंदी पर अनेक शब्दों के एक शब्द बनाना, क्या अनेक शब्दों के एक शब्द बनाना, आज तक आए हुए सारे क्वेश्चन, क्या आज तक विभिन्न एग्जामों में आए हुए सारे क्वेश्चन, एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा, सेशन को शेयर करना है, कल की क्लास को भी शेयर करना है, और एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा जय हिंद, जय हिंद भाई सभी को, जय हिंद। सर मेरा नाम ले लो, सुमन, सुमन कुशवाहा, हाँ अच्छा आज आपका नाम नहीं लिया क्या? प्रियेश, लोकेश, मयूर सिंह, सभी को राम राम भाई, सभी को राम राम, थैंक यू मेरे, थैंक यू सेरों, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया भाई, बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल मजा आएगा ऐसे ही रोज। सर आप मेरी जीएफबी क्लास देख रही है, अच्छा सोबित सिंह सर मेरी जीएफबी क्लास देख रही है, सोबित सिंह नाम बता दे जीएफ का, ले नाम भी बुलवा देता हूँ, बिल्कुल थैंक यू मयूर सिंह, 25 में से 25 मयूर झूठा है, अच्छा ये कह रही है मयूर झूठा है, सर काउंट नहीं किए, कोई बात नहीं भाई, काउंट नहीं किया तो अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू। पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हिंदी में से 25 में से 25 क्वेश्चन लाना यही मेरी क्या है कामयाबी होगी, बिल्कुल 25 में से 25 क्वेश्चन आपको मैं दिलवा दूंगा, चिंता ना करें, हम मेहनत करेंगे मिलकर। राम राम जी, खेसारी लाल जी, राम राम, बाय बाय सभी को, गुड नाइट। क्या अब गुड नाइट कर लेते हैं क्योंकि अब हमारी यूट्यूब पे क्लास है नहीं, तो बाय बाय सभी को एक बार के लिए।